हमारे पास पुराने कपड़े होते हैं, पुरानी कतरन होती है, उससे हम गद्दा बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी, इसे बनाने का तरीका बहुत ही इजी है। इसमें कोई भी आपको जो मोटे वाली सुई होती है जिससे हम गद्दे सिलते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे बहुत ही इजी तरीके से बनाने वाले हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आपके पास कोई भी पुराने कपड़े, पुरानी कतरन है, वो आप इसमें इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी आपके पास पुराने कपड़े पड़े हैं, किसी भी तरह के कपड़े हैं, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। डबल बेड शीट का यूज़ किया है, उसमें से एक सिंगल पीस मैंने कट कर लिया है। अगर आपके पास डबल बेड शीट नहीं है तो आप दो सिंगल बेड शीट भी इसमें यूज़ कर सकती हैं। तो डबल बेड शीट में से सबसे पहले जितना बड़ा गद्दा बनाना है उतना बड़ा मैंने साइज़ कट कर लिया है और उसे साइडों से मैंने सिलाई लगा ली है। तो आपको भी यही करना है, जिस भी साइज़ का आपने गद्दा बनाना है, अगर आप बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो बड़े साइज़ का उतना ही बड़ा साइज़ कट करके साइडों से आपको सिलाई लगा लिया फ्रंट के लिए। तो डबल बेड शीट में से बाकी का जो बचा उसमें से हम स्ट्रिप्स कटिंग करेंगे और इसको इसमें ज्वाइन करके हम अपने गद्दे को पूरा करेंगे। ये बाकी बचा हुआ पीस है, इस तरीके से लंबाई में, ये लंबाई में है और ये चौड़ाई में है। तो ऐसे हमें लंबी लंबी इसमें स्ट्रिप्स कटिंग करनी है। तो पूरा आधा पीस हमारे पास बच जाता है, तो हमारे एक डबल बेड शीट में से आराम से गद्दा आपका बन जाएगा। तो यहाँ से हमें स्ट्रिप्स कटिंग करनी है, तरीके से स्ट्रिप्स कटिंग कर ली है चादर में से। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है, इसके ऊपर हमारी ये स्ट्रिप लगनी है, तो हमने ये इसी साइज़ की कट की है। इसकी विड्थ इसके साइज़ की हमने लंब रखी है, इसके साइज़ की इसकी विड्थ है। और इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ, स्ट्रिप की लंबाई मैंने ली है 8 इंच इसकी लंबाई है। और मैंने इसे साइडों से तीन तरफ से सिलाई लगा के फिनिश किया हुआ है। तो आपको भी इसी तरीके से स्ट्रिप यूज़ करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 7 इंच के डिस्टेंस पे देखिए मैंने इस पर निशान लगाए हुए हैं, ये देखिए 7 इंच, फिर 7 इंच, ये जो स्ट्रिप कटिंग की है उस पर फिर 7 इंच, 7, 7 और 7। तो ये मेरा टोटल है 42 इंच इसकी विड्थ है, नीचे वाले की भी और ऊपर वाले की भी 42 इंच इसकी विड्थ है। तो इस तरीके से कपड़े का पीस लिया, जो हमने बेडशीट के दूसरी जो हमारा कपड़ा बचा था उसमें से कट किया हुआ है, इसे आपको इसके ऊपर रखना है। इसे लेके पूरा लंबाई में सिलाई लगानी है और एक एक सिलाई हमें इसमें लगानी है, ये जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, चारों तरफ ये मैंने स्टिच कर लिया, यहाँ से लेके वहाँ तक सिलाई लगा ली। और सिलाई कहाँ लगा ली, यहाँ से 7 इंच के डिस्टेंस पे, यहाँ, यहाँ, यहाँ और हर एक के बीच में 7, फिर आगे 7, 7, 7। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास यहाँ पे पॉकेट जैसी बन गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 पॉकेट्स बन गई इस तरीके से। तो सिंपली हमने क्या किया, एक बेडशीट नीचे लगाई है और उसी का जो दूसरा हिस्सा था उसमें से स्ट्रिप कटिंग करके लगाई है और उसमें इस तरीके से पॉकेट्स बना दी हैं। ये जो हमने पॉकेट्स जैसी बनाई है इसमें हमें कतरन को फिल करना, कतरन फिल करूँगी। कतरन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से बचे कुचे टुकड़े हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को करके उन्हें ही यूज़ करना है, थोड़े अगर बड़े पीसीज भी हैं इस तरीके से तो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोई भी पुराने कपड़े हैं उन्हें इस तरीके से कटिंग करके आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं, या अगर आपके पास पड़े हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह के कपड़े हो, दुपट्टे का हो, चादर का हो, सूट का हो, वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने टुकड़े लिए, और इस तरीके से पॉकेट में उसे आपको फिल करना है। ये मैंने इस तरीके से पॉकेट में फिल कर दिया। अब और पीसेस लिए मैंने और इसमें फिल, ये देखिए मैंने पॉकेट्स को फिल कर लिया, इसके अंदर सबके अंदर मैंने इस तरीके से कतरन भर ली है और मैंने ये सारी पॉकेट्स फिल कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 की 6 मेरी पॉकेट इस तरीके से फिल हो गई। अब हमें आगे क्या करना है, ये जोड़ी थी ऐसी ही सेम स्ट्रिप मैंने एक और ली है जो हमने दूसरी चादर में से कट की थी, सेम 8 इंच की और इसके विड्थ इसके बराबर सेम यही स्ट्रिप है और इसे मैंने साइडों से सिला हुआ, ऊपर से आपको सिलने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक ही स्ट्रिप को जो स्टार्टिंग वाली है
सिर्फ उसे ऊपर से सिलने की ज़रूरत है, बाकी साइडों से दोनों प्लेन हो, सिर्फ साइडों से आपको स्टिच करना है कॉर्नर कॉर्नर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई कैसे लगानी है, हमने ये लिया, इसके ऊपर आपको ये वाली स्ट्रिप ऐसी रखनी है, सीधा अंदर की तरफ, सीधा सीधा इस स्ट्रिप को इसके ऊपर हमें ऐसे रखना है लंबाई में, और सिलाई मशीन से यहाँ से लेके पूरा एंड तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। ये मैंने इसके ऊपर यहाँ पे कपड़ा रखा था तो पूरा लंबाई में मैंने इस पर सिलाई लगा लिया, तो इस तरीके से मेरा इसके साथ जॉइन हो गया। तो यहाँ से प्रॉपरली ये फिनिश हो गई हमारी पॉकेट्स, 1, 2, 3 जितनी भी बननी, 6 बन गई हमारी। अब इसे ऐसे किया, साइडों से हमने फिनिश किया हुआ था, गया तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। अब आपको क्या करना है, सेम वैसे ही जैसे पहले ये सिलाइयाँ लगाई थी, 7 इंच के डिस्टेंस पे एक सिलाई यहाँ, एक यहाँ, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जैसे पहले सिलाइयाँ लगाई थी, इसी वाली सिलाई को आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक लगा लीजिए, इसे यहाँ तक लगा दीजिए, तो हमारी दोबारा से पॉकेट जैसी बन जाए। देखिए मैंने सिलाई लगा ली, ये तो इस तरीके से जैसे हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में किया था वैसे ही से हमारी इसमें पॉकेट्स बन गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब जैसे इसे फिल किया था वैसे ही हमें इसे भी कतरन से फिल करना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें कतरन फिल कर ली। बस अब जैसे हमने पहले किया था, ये मैंने टुकड़ा लिया साइडों से सिला हुआ है, इसे इसके ऊपर रखना है, यहाँ से लेके पूरा दूसरे एंड तक इस पर सिलाई लगा लीजिए सिलाई मशीन से, यहाँ से लेके दूसरे एंड तक। तो ये इस तरीके से जॉइन हो जाएगा, जैसे हमने ये सेकंड वाला किया था वैसे ही सेम आपको करना है, यहाँ से लेके एंड तक इस पर सिलाई लगा, इस पर सिलाई लगा ली पूरे पे। तो ये सिलाई लगा के मेरा इस तरीके से आ गया जैसे हमारा पहले सेकंड पॉकेट आई थी। अब सेम आपको क्या करना है, एक सिलाई कॉर्नर पे, एक सिलाई इसके पैरेलल 7-7 इंच वाली, इसको कंटिन्यू करना है, इसे कंटिन्यू करना है, इसे कंटिन्यू करना है, और हमारी फिर से इसमें पॉकेट्स बन जाएंगी, और ऐसे ही आपको फिल करना है। फिर उसके बाद आगे लेयर्स, और इसी तरीके से लंबाई में पूरा गद्दा जितना आप बनाना चाहते हैं उतना इसे बना लीजिए। बनाते गए हमारा ये इस तरीके से बनता गया, देखिए यहाँ से मैंने शुरू किया था इस तरीके से बनाते बनाते, ये रोज़ पूरी बनाते हुए इस तरीके से बनाते हुए यहाँ मैं बिल्कुल एंड तक आ गई। तो अब मेरा यहाँ पे बस एक पीस और लगेगा इसमें, तो मैं आपको एंड से इसको फिनिश करना बता देती हूँ कि एंड से कर से फिनिश। ये देखिए लास्ट के लिए मैंने सेम ऐसे पट्टी ली है, बस इसे लास्ट में यहाँ से कॉर्नर से मैंने सिलाई लगाए हुआ है। ये कॉर्नर हमने पहले ही सिलाई लगाए हुए थे चारों तरफ से नीचे वाले पे, और ये जो लास्ट पीस है इस पर भी आपको कॉर्नर पर इस तरीके से पहले ही सिलाई लगा लेनी है। अब इस पीस को दोबारा से इसके ऊपर रखना है यहाँ पर जैसे हम पहले रखते आए थे, और पूरा लंबाई में हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसे ऐसे करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो एक सिलाई यहाँ पे लगा लीजिए यहाँ से पूरी लंबाई में, और एक 7 इंच के डिस्टेंस पे ऐसे लगा लीजिए, भी सिल गया। बस अब लास्ट वाले में इसमें फिल कर लीजिए यहाँ पे हर एक पॉकेट में, और यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए, तो ये हमारा गद्दा बिल्कुल रेडी टू यूज़ हो जाएगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा। साइड से इसे पूरा सिल दिया, तो इस तरीके से मेरा गद्दा बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। देखिए सिंगल बेड के साइज़ का मैंने इसे बनाया है, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया। दोनों तरफ से सेम है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से रिवर्सिबल है, कहीं से भी इसके रफ एजेस नहीं है, तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया। इस तरीके से मेरे पास पिल्लो कवर था तो मैंने एक पिल्लो भी इसमें चढ़ा दिया, तो इस तरीके से मेरा बेड बिल्कुल रेडी हो गया। आप इसे फ्लोर पे यूज़ कर सकते हैं सोने के लिए, आप अगर आपके पास मंजा है तो उसमें भी छा सकते हैं, दीवान बेड है उसमें भी छा सकते हैं, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।